तो फाइनली ढूंढ लिया आपने, हम जो उम्मीद थी ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 8 विज्ञान और उसका हम पाठ नंबर 12 करने वाले हैं, नाम है घर्षण। तो घिस घिस के चलेंगे हम बिल्कुल से, पाठ को बिल्कुल अच्छे से इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। आपको बिल्कुल से मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि साइड में फ़ोटो दिखाऊंगा, अच्छे से समझ में आएगा। और हाँ, गारंटी है मेरी, वीडियो देख के जाओगे पूरी की पूरी तो आपका इस पार्ट से एक भी डाउट नहीं बचने वाला है। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। इसके नोट्स जो हैं, आप लोग बोलोगे भाई नोट्स भी दे देना, तो नोट्स मैंने बना दिए हैं और नोट्स का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। PDF भी है नोट्स के साथ में, नोट्स की मतलब लिखे हुए पढ़ने हो सीधे पढ़ सकते हो, PDF डाउनलोड करनी है वो भी आप कर सकते हो। तो अभी देखते हैं चलो इस पार्ट को। पार्ट क्या है? घर्षण। घर्षण क्या होता है? अब घर्षण देखो, हमने 11वें चैप्टर के अंदर पढ़ा था, बहुत सारी चीज़ें जानी भी थी हमने। क्या जाना था? उसके अंदर बहुत सारे प्रकार के बल होते हैं और उन्हीं बलों में से एक बल आता है जिसका नाम होता है घर्षण। घर्षण एक संपर्क बल की कैटेगरी में आता है, यानी कि एक संपर्क बल है। ये बल कौन सा होता है कि मतलब उसके लिए हमें दूसरी चीज़ को टच करना पड़ता है, ठीक है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से लगाना पड़ता है, संपर्क में लाना पड़ता है, उसके बाद में ये जो बल है वो लगता है। देखो, हम कोई भी चीज़ है, जैसे मेरा ये हाथ है अभी के लिए, और इस हाथ को अगर मैं इस बोर्ड के संपर्क में लाता हूँ, ऐसे लगा दिया मैंने बोर्ड को, तो यहाँ पे इसके और बोर्ड के बीच में घर्षण हो रहा है। अब मैं इसको सरकाऊंगा आगे आगे, देखो ऐसे ही, देखो घर्षण का कैसे महसूस किया जा सकता है कि घर्षण होता है। यहाँ पे हाथ है, ऐसे सरकाया मैंने, ठीक है, मुझे बल लगाना पड़ा अपने शरीर से, लेकिन बहुत कम था। यहाँ पे रखा हाथ संपर्क में, देखो यहाँ पे भी संपर्क में, यहाँ पे हवा के संपर्क में है, ठीक है, यहाँ पे जो है ऐसे रखा मैंने बोर्ड पे, और यहाँ पे अगर सरकाता हूँ यहाँ पे मुझे ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। और यही जो है अंतर होता है, यही बड़ा अंतर होता है बलों के बीच में, कि बल मतलब कैसे हम जो है महसूस कर सकते हैं। अब जो घर्षण है ना, उसका जो है सिर्फ और सिर्फ नुकसान है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान है, लेकिन ज़रूरी चीज़ है। फिर भी ये ज़रूरी चीज़ है, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसके बिना हम काम नहीं कर सकते अपना, हमें ज़रूरी है। आपने फिल्में देखी होंगी बहुत सारी, वैसे आमतौर पर नॉर्मली भी करते हैं, केले का छिलका नीचे डाल देते हैं और दूसरा बंदा आता है कोई, उसके ऊपर से फिसल के नीचे कट लेता है भगवान के पास में। तो वो जो प्रोसेस होता है उसमें, जब वो छिलके के ऊपर पैर रखता है तो वो गिरता क्यों है? उसका पीछे से लॉजिक क्या है कि वहाँ पे घर्षण कम हो जाता है। हमें जो है कई जगहों पे घर्षण कम करते हैं, कहीं पर ज़्यादा करते हैं, वो हमारे हिसाब से, हमारी ज़रूरतों के हिसाब से उसको किया जाता है। तो जैसे हम केले के छिलका जब रखा होता है तो उसका घर्षण कम हो जाता है ज़मीन से, उस बंदे का पैर रखा जहाँ पे, तो इस वजह से वो फिसल जाता है। अब जो घर्षण कम होगा ना, तो उसकी जो स्पीड है, उसकी जो गति है ना, वो तेज हो जाती है। अब आपने देखो, फर्क महसूस कराने के लिए अगर आपने कभी बाईसाइकिल, या फिर साइकिल बोलते हैं उसको, बाईसाइकिल क्या बोल रहा हूँ मैं, साइकिल चलाया है, तो साइकिल में आपने देखा होगा साइकिल के जो टायर होते हैं गोल होते हैं, ठीक है। अब जो है दो टायर हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, और एक टायर है पतला, ठीक है, इतना पतला है वो टायर, पहले वाला गोल है ये, ठीक है ना, महसूस कर लो, बस एक साइड से एंगल दिख रहा है उसका। अब जो है दूसरे वाला है थोड़ा मोटे वाला टायर, ठीक है, जैसे साइकिल में बाइक का टायर डाल लिया हमने, तो क्या होगा अगर आप दोनों साइकिल, देखो वजन अगर दोनों का बराबर भी कर दो है ना आप, तो ये जो बाइक वाला टायर है ना, इस वाले साइकिल को चलाने में आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। कारण क्या है कि इसका जो संपर्क है, इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, जो संपर्क में आ रहा है वो ज़्यादा है। इसका फायदा भी रहेगा, इसका फायदा क्या रहेगा, ये देखो ये वाला फिसल सकता है, ये वाला नहीं फिसलेगा इतनी जल्दी, जितनी जल्दी ये फिसल जाएगा। फायदा है, नुकसान भी है कि इसमें ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है। तो ऐसे ही होता है, वैसे ही हम जब पेन उठाते हैं, जो हाथ में पकड़ा पेन, पेन तो ये जो पेन हाथ में पकड़ा हुआ है, यहाँ पे भी पेन और हाथ के बीच में घर्षण होता है। आपने कभी देखा हो कुछ काम करते हो बहुत, मतलब आपको स्कूल के अंदर सुलेख लिखने को दिए जाते हैं है ना, जब छुट्टियां होती है गर्मियों की, तो आप लिखते लिखते आप देखोगे कि आपकी हाथ उंगलियां जो है पिचक सी गई है ना, उसकी जो खाल है वो टूटने से लग जाती है। वो क्यों होता है? अगर आपने ज्यादा लिख दिया है तो वो घर्षण है, वो घिसा देता है उंगलियों को, ठीक है ना, ऐसे होता है। तो चलो आगे और भी चीजें जानते हैं, और यहाँ पे हमारे पास में आते हैं तीन प्रकार के घर्षण। घर्षण को तीन प्रकार जो समझना है वो बहुत काम का है और इम्पोर्टेंट चीज है, उसको अच्छे से समझ लेना। एक होता है हमारे पास में लोटनिक। क्या होता है लोटनिक? देखो नामों से ही पता लग जाएगा हमें सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको समझने में लोटनिक। उसके बाद में दूसरा आ रहा है हमारे पास में, वो है स्थैतिक। स्थैतिक,
देखो, स्थैतिक का मतलब होता है वो रुका हुआ। अगर आपको थोड़ी बहुत हिंदी का आइडिया है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। एक आता है सर्पी घर्षण, ठीक है? कौन सा? सर्पी घर्षण। अब देखो, ये तीन घर्षण हमारे पास में आते हैं और तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। देखो, डेफिनेशन नहीं आई, बस घुमा सकते हैं कि हाँ कौन सा घर्षण तेज होता है, कौन से में ज्यादा घर्षण होता है, किस में कम होता है, कौन सा फायदेमंद है, कौन सा अच्छा बुरा, ऐसे पूछा जाता है। ये घर्षण इससे कम क्यों होता है, वो घर्षण इससे कम क्यों होता है, ऐसे पूछेंगे वो। तो क्या होता है, देखो तीन प्रकार के घर्षण होते हैं। एक तो मैं यहाँ पे खड़ा हो गया जमीन पे, अब जमीन तो नहीं दिखा सकता मैं कैमरे में, बट जमीन पे मैं खड़ा हो गया, तो खड़ा होने के बाद में मैं मूव नहीं कर रहा, इधर उधर चल नहीं रहा, कहीं पे भी एक जगह खड़ा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, उस घर्षण को बोलते हैं स्थैतिक घर्षण, ठीक है ना? मतलब एक जगह खड़े हो जाना, रुक जाना। अब आप लोग बोलोगे भाई कुछ समझ में नहीं आया, लॉजिक सा है ना? तो क्या करो आप, आपको क्या करना है, आपको जो है मतलब एक व्हीकल है, कोई भी मतलब साधन है आपके पास में चलाने का, तो उसको जो है एक जगह खड़े कर दो, ठीक है? खड़ा कर दिया, उसके बाद में आप जाकर उसको धक्का मारो, ठीक है? जब आप उसको धक्का मारोगे तो आपको बल लगाना पड़ेगा, और बल का ऐसा होता है कि जैसे आपके वो जो साधन है, जो भी जिसको चला रहे हो, धक्का मार रहे हो, अब अगर वो चलने लग जाता है ना, थोड़ा आगे चलने लग गया, तो उसके बाद में धक्का अगर आप मारते हो तो वो जल्दी चलेगा आगे। क्यों? क्योंकि स्थैतिक में घर्षण ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा घर्षण होता है स्थैतिक के अंदर, ठीक है? स्थैतिक के अंदर सबसे ज्यादा घर्षण होता है। अब दूसरा आता है हमारे पास में सर्पी घर्षण, ये सबसे मतलब शक्तिशालियों के हिसाब से ऊपर नीचे कर रहा हूं इनको, स्थैतिक होता है सबसे शक्तिशाली। उसके बाद में सांप वाला, सांप देखा है आपने, स्नेक, सांप, तो वो क्या होता है, वो ऐसे लंबा होता है, बहुत बड़ा इलाका। तो वैसे ही क्या होता है, जो बक्सा होता है ना, देखो एक तो पहिया होता है गोल, एक बक्सा होता है, बॉक्स, बक्सा, ठीक है? अगर आप इसको यहाँ जमीन पर चलाते हो, देखो कट गई ये लाइन, कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर देना। तो यहाँ पे ये देखो, अगर हम इस बक्से को ऐसे खींच के लाएंगे तो क्या होगा, ये बक्सा पूरे का पूरा ऐसे घिसेगा घिसेगा, है ना? तो इसमें जो है, इसकी जो बल है वो तो लगाना पड़ेगा, लेकिन ये देखो, ये जो बल था ना स्थैतिक, अगर ये बक्सा स्थैतिक हो गया ना, तो इसको सरकाने में ज्यादा बल लगेगा। अगर आपका ये बक्सा सरका रहे हो लगातार, तो आपको सरकाने में कम बल लगाना पड़ता है, ठीक है? जैसे सरकने वाला होता है वो होता है सर्पी घर्षण, ठीक है? अब तीसरे पे आता है लोटनी, लोटनी का लोटपोट हो जाना, गोल गोल, ठीक है? उल्टी मारना ऐसे, मतलब जो भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है, आपको तीन पेंसिल लेनी है, उसके ऊपर एक किताब रख लेनी है, ठीक है? ऐसे वाली, ये बक्सा ही उठा के रख लिया इन पेंसिल के ऊपर। तो अब अगर इसको अब धक्का मारते हो तो ये जो आपका बक्सा है वो बहुत कम बल में जो है सरकने लग जाएगा आगे, तो उसी को बोलते हैं लोटनी घर्षण। पहिए जो है, ये पहिए, ये भी लोटनी घर्षण की प्रक्रिया के ऊपर ही काम करते हैं, ठीक है? तो ये होता है आपका लोटनिक घर्षण। अब तीनों के अंतर देखो, यहाँ पे पूछा जा सकता है कुछ भी, कि लोटनिक घर्षण जो है सर्पी घर्षण से कम होता है, क्यों होता है, पता लग गया आपको, है ना? क्योंकि यहाँ पे जो है ये गोल है तो घूम जाता है, लेकिन इसमें घूमेगा तो कुछ है नहीं, तो पूरे का पूरा जो बात ऐसी नहीं है, बात इतनी नहीं है, आप सोच के देखो ना, इसका घर्षण इसके घर्षण से कम है, मतलब इसका ज्यादा है इसका कम है, क्यों? आप लोग मतलब ऐसे तो रटवाने के लिए रटवा दूंगा मैं कि हाँ भाई ये मतलब पेंसिल है गोल है इसीलिए कम हो गया, लेकिन आप अगर सोचोगे ना, आप अगर सोचोगे, मैंने बाइक का एग्जांपल दिया था यहाँ पे, है ना? दो टायर थे, एक पतला एक मोटा, जो मोटा था उसको सरकाने में ज्यादा बल लगेगा, लेकिन उसकी जो पकड़ है वो ज्यादा मजबूत होगी। वैसे यहाँ पे होता है, आप पहिए को आप बड़े स्केल पे लेके आओ, यहाँ पे है हमारी जमीन, ठीक है? ये हमारी जमीन हो गई, तो ये जो गोल पहिया है इसका क्या होता है, गोल पहिया ऐसे होता है ना, ऐसा सा होता है ना, ऊपर से तो बना लेना, ऐसे ही यहाँ पे होता है, ऐसे हो गया। अब इसका जो छोटा सा इलाका है वही तो जुड़ा हुआ है जमीन के साथ में, और एक तरफ में हमारा बक्सा, अब बक्से का तो पूरा इलाका जुड़ेगा इस पे, इतना बड़ा इलाका जुड़ा हुआ है, इनका छोटा छोटा इलाका। और अगर आपका इलाका छोटा हो गया, ये मैंने बताया था ना पतला टायर मोटा टायर, अगर टायर पतला हो गया तो तेज चलेगा, अगर आपने जो साइकिल पे रेस लगाते हैं ना, मतलब गेम होते हैं जो खेल होते हैं, तो उनके अंदर क्या करते हैं, उनके अंदर जो साइकिल है उनके टायर पतले कर दिए जाते हैं, जो आप आमतौर पर खेलते हो ना चलाते हो जो साइकिल, उससे भी पतले टायर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे घर्षण कम हो जाता है। वही कारण है कि लोटनी घर्षण आपका सर्पी घर्षण से कम होता है, ठीक है? उम्मीद है मुझे समझ में आया होगा आपको बहुत अच्छे से। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोटनी लोटनी कर देने से आपका घर्षण कम हो जाएगा, है ना? बहुत सारी दिक्कतें हमें आती हैं, हमें समाधान करना पड़ता है उनका। तो हम क्या करते हैं, हम एक
चीज उनके अंदर डाल देते हैं जिसको हम बोलते हैं स्नेहक। क्या बोलते हैं? स्नेहक बोलते हैं हम उसको। तो इसके ये क्या चीज़ होती है, जैसे आपने देखा होगा ना, कोई भी व्हीकल है उसको चलाने के लिए उसमें हम तेल डालते हैं, है ना, ग्रीस डालते हैं, तेल और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो डालते हैं उनके अंदर। क्यों डालते हैं? ताकि वो स्मूथ चले और अच्छे से चले, वो घर्षण जो है उसका कम हो जाए। वो चीज़ें जो घर्षण को कम करती है उनको हम स्नेहक बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। मुझे उम्मीद है पूरा पाठ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना, कोई डाउट नहीं चल रहा होगा आपका। ये तीन चीज़ें हैं बस इस पाठ में, घर्षण के अंदर तीन घर्षण आते हैं, लोटनिक, स्थैतिक और सर्पी घर्षण। ठीक है, तीनों समझ लिए हमने, अच्छे से समझ लिए हैं। ठीक है, अब क्या होता है, घर्षण को कम करते हैं हम स्नेह की मदद से। स्नेहक क्या करता है, उसका जो सरफेस है ना, देखो सरफेस क्या होता है, उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा, हमें तो स्मूथ लग रहा है ना, लेकिन वो असल में ऐसा नहीं होता। आप आने वाली क्लासेज में 9वीं 10वीं के अंदर जानोगे पूरे अच्छे से इस चीज़ को। लेकिन अभी के लिए आप समझ लो कि जो इलाका है ना, जैसे हम ऐसे लिख देते हैं ये स्मूथ है, ऐसा स्मूथ नहीं होता। ये कैसा होता है बताऊँ आपको, ये ऐसा दिखेगा आपको, ऐसी होती है इसकी ज़मीन। ये हमें स्मूथ दिख रहा है लेकिन ये स्मूथ होता नहीं एक्चुअल में। ठीक है, तो ये जो होता है ना, अब दूसरी चीज़ वो भी ऐसी होती है, कुछ ऐसी होती है वो दूसरे वाली चीज़। ठीक है, मतलब कोई भी पहिया हो गया या फिर ये बक्सा हो गया, तो ये जो है ये कांटे से इनमें अटक जाते हैं और उसी की वजह से घर्षण होता है। और हाँ, आपको बता दूँ, आप सोचोगे भाई मतलब चिकना कर देने से कोई भी चीज़, मतलब स्मूथ कर देने से ज़्यादा तो घर्षण जो है कम हो जाता है ना, तो आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए। क्या उठेगा कि भाई जो साइकिल के ब्रेक होते हैं वहाँ पे जो रिम होता है हमारा, जिसके मतलब जिस पे ब्रेक लगते हैं, वो तो वो रिम बिल्कुल चिकना होता है। देखो आजकल जो रेंजर साइकिल्स होते हैं वो तो उनमें तो साइड में लगते हैं ब्रेक, उनमें ग्रिप बना दी जाती है अच्छे से, लेकिन जो पहले के एटलस साइकिल्स आते थे उनके अंदर जो है बिल्कुल चिकना रिम था, फिर वो कैसे रुकते थे यार। तो क्या होता है, इनके मतलब सीमा होती है, जैसे हम भाग सकते हैं कितनी स्पीड पर भाग सकते हैं, उसके बाद में हम नहीं भाग पाएंगे, उससे आगे नहीं भाग पाएंगे, वो सीमा है हमारी। वैसे ही घर्षण की भी एक सीमा होती है। अगर आप सरफेस को चिकना कर देते हो, इतना चिकना कर देते हो बिल्कुल चिकना, ठीक है ना, मतलब थोड़ा सा भी गड्ढा ऊपर नीचे नहीं रहता है, बिल्कुल ही चिकना हो जाता है, तो आपका घर्षण ज़्यादा हो जाता है। समझ में नहीं आया, कुछ अजीब लगेगा आपको, लेकिन जैसे हमारा होता है ना, एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, तो जैसे हमारा घर्षण है, ठीक है, रफनेस को हम स्मूथ करते जा रहे हैं, तो ऐसे हो गया घर्षण कम होता जाएगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत बढ़ेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं तो हम और अच्छे समझ सकते हैं यहाँ पे घर्षण, ठीक है ना, यहाँ पे जो है हमारा कुछ भी रोकने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो क्या होता है, अगर हम जो है उसको चिकना कर रहे हैं, यहाँ पे चिकने के ऊपर बात आ जाती है, चिकनापट या फिर स्नेहक उसके अंदर डालते हैं, तो हम अगर उसके अंदर ज़्यादा चिकनापट डालते हैं तो जो मतलब ज़्यादा हो गया, घर्षण जो है आपका कम हो जाता है। ठीक है, घर्षण एक सीमा हो रही, लेकिन उसके बाद में जो है, जब स्नेह की पूरी सीमा आ जाती है, उसके बाद में घर्षण बढ़ जाता है एकदम से, पूरा मतलब ब्रेक अच्छे से काम करते हैं। यही वजह है साइकिल के ब्रेक जो चिकने होते हैं ना, अब ये चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं बताई मैंने, मुझे पता है समझ में नहीं आई होगी ज़्यादातर चीज़ें, बट हाँ थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि इसकी जो है घर्षण की एक सीमा होती है, और उसके ऊपर अगर आप जाते हो तो घर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब चिकना करने की सीमा होती है, उसको स्मूथ बनाने की। ठीक है, अब ये चीज़ें आपकी क्लास 11th में आएंगी। ठीक है, 11th में अगर साइंस लेते हो, फिजिक्स लेते हो, तो आपको देखने को मिल जाएगी बिल्कुल अच्छे से, बट अभी के लिए बस इतना ही था आपके इस चैप्टर में। और हाँ, एक दो चीज़ और बच गई है छोटी मोटी, तो चलो उसको भी बता ही देता हूँ मैं। तो यहाँ पे है घर्षण के फायदे और नुकसान, देखो बढ़ाना सीख लिया हमने, ये ज़रूरी भी है, वो भी सीख लिया। ठीक है, एक आता है यहाँ पे कमानीदार तुला। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, मतलब अलग भी क्या है वैसे, ठीक है ना, कमानीदार तुला। तो ये कमानीदार तुला क्या होता है ना, साइड में फोटो देखो, इस तुले के मदद से ना हम लोग वजन नापते हैं। क्या नापते हैं? वजन नापते हैं। क्या होता है, ये यंत्र होता है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है, बल क्या होता है, अब बल जो है हमने तो ऐसे ही समझ लिया ना। देखो वजन कैसे नापते हैं पता है आपको? वजन, ये किताब 1 ग्राम की, 10 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम, कैसे नापती है ये सोचोगे ना, मतलब कैसे पता लगा कि ये 500 ग्राम की है?
कुछ मन में सवाल आते हैं ना, उन्हीं चीज़ों में से एक चीज़ आती है कमानीदार तूला। ये भी वजन नापता है। इसके ऊपर क्या होता है, एक ऐसा लटकाने का होता है और उसके ऊपर जो है किसी भी सामान को लटका दिया जाता है, ठीक है। अब वो सामान लटक गया, अब ये कैसे माप देगा उस चीज़ को? तो क्या होता है, बल जो वजन होता है ना, वो जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल हमने 11वें चैप्टर में पढ़ा था ना, तो वो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना उसके गुणा में जो है 9.8, ठीक है ना, मतलब जो ये 9.8 उसकी वैल्यू होती है, वो जो गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी का जो चीज़ें उठाई, ऐसे देखो ऐसे है ये मैंने उठाया, ठीक है, गिर गया नीचे, तो ये जो बल है ना, ये नीचे गिरने का बल, उसको बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। उसकी जो वैल्यू है ना, उसकी जो मतलब लिखते हैं सवाल वगैरह निकालते हैं, तो वो 9.8 होती है, ठीक है ना, इतनी। तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल। अब जो है यहाँ पे वजन होता है, कुछ वजन होता है जो भी, मान लो एक्स वजन मान लेते हैं हम, ठीक है। तो ऐसे जो जितना भी वजन है उसका मास जो है वो जो है उसके और इसकी गुणा, तो वो होता है हमारा वजन, ठीक है ना। दो वजन दो प्रकार के होते हैं, एक तो मतलब असली वजन जो पृथ्वी के अंदर होगा, एक पृथ्वी से बाहर जाओगे वो अलग वजन होता है, मतलब होता दोनों का नाम एक ही है लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है, वो आने वाली क्लास में आपको पता लग गया, बट अभी के लिए समझ लो कि ऐसा कुछ होता है और दो चीज़ें मिलके जो है कमानीदार तूले में वजन नापने का काम करती है। इतना फर्क पड़ जाएगा अगर आप इस 9.8 को हटा दोगे ना, तो इसका जो वजन है ना बहुत कम हो जाएगा। आपने सुना होगा चांद के ऊपर जो है आदमी कोई जाता है तो उसका वजन 6 गुना घट जाता है, मतलब अगर वो 60 किलो का तो वो चांद के ऊपर 10 ही किलो का रह जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है ग्रेविटी जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कम हो जाता है, ठीक है, इस वजह से ऐसा होता है। तो ये था आपकी इस वीडियो में। और हाँ, घर्षण का फायदे नुकसान आपको पता है, मुझे पता है, घर्षण मैंने बता दिया ना हर चीज में जरूरी है, फायदा क्या होता है। और घर्षण का सबसे बड़ा नुकसान पता क्या है, वो ऊष्मा पैदा करता है। ऐसा नहीं है कोई मतलब लोहे की चीज है वो ऐसे ही बर्बाद हो जाती है घर्षण की वजह से, नहीं, वो घर्षण जब चलता है ना, घर्षण होता है तो घिसने की वजह से गर्मी, आपने कुछ घिसा होगा, आप कभी घिस के देखना, लोहे की एक रोड लेना, कुछ भी ले लेना, उसको ऐसे दीवार के ऊपर, मतलब दीवार या फिर ब्रिक ईंट के ऊपर जो है उसको ऐसे घिसते रहना, तो आप क्या देखोगे कि जो आपकी लोहे की वो भी जो भी चीज़ ले रखी थी आपने, वो गर्म हो गई और भी गर्म हो गई, तो घिसने की वजह से गर्मी पैदा होती है, ऊष्मा पैदा होती है। और जो ये आपकी ऊष्मा होती है ना, यही होती है जो भी आपका साधन है जिसमें भी घर्षण हो रहा है उसको खराब करने की वजह है, ठीक है ना। तो इसी की वजह से खराब हो जाता है, क्योंकि गर्म होगी ना तो चीज़ टूटने लग जाती है वो, और टूट टूट के गिर जाती है, इतनी छोटी छोटी टूटती है कि आपको दिखती नहीं है वो, लेकिन टूट रही होती है वो। वैसे ही जो है ये अब स्नेहक डालते हैं तो वो टूटने को कम कर देता है, लेकिन आपकी जो घर्षण है उसको भी कम कर देता है। अब इस पेन के ऊपर, मार्कर के ऊपर अगर मैं स्नेहक डाल दूं तो ये पेन मुझसे पकड़ा भी नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि घर्षण कम हो जाएगा, ठीक है, ऐसा होता है। आपके स्कूल के जूते हैं वो फट जाते हैं, क्यों? घर्षण की वजह से, ठीक है, ऐसा ही होता है। अब और भी बहुत सारी चीज़ें, आप कैरम बोर्ड खेलते हो उसके ऊपर पाउडर डालते हो ना, तो क्यों? क्योंकि वो जो है एक स्नेहक का काम करता है, घर्षण कम कर देता है, जो गोटियाँ आप सरका रहे हो तो मार के, तो वो जो है इधर उधर जल्दी सरकती हैं, तो इसी वजह से उसमें डाला जाता है। अगर घर्षण ज़्यादा होगा तो आपकी जो गति है वो प्रभावित होगी, घर्षण ज़्यादा तो गति कम, अगर घर्षण कम तो गति ज़्यादा, ठीक है, घर्षण कम तो गति ज़्यादा हो जाएगी। तो इस चीज़ को लेके आगे आप 11th में पढ़ना, बहुत अच्छे से मज़ेदार चीज़ है, शायद 10th में भी आ जाएगी, 10th और 11th के आसपास आ जाती है, ठीक है। तो ये था आपकी इस वीडियो में, और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कहीं पर कोई भी डाउट है तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। हाँ, इसके नोट्स बना रखे हैं, PDF में मिल जाएंगे आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक करना। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12 क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोज़। अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए। और हाँ, इसका पार्ट 2 आएगा क्या, आ ही गया है, और उसको तो अगर आप देख सकते हो, उसमें मैंने जो है इस पाठ के प्रश्न उत्तर और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताए हैं जो आपके इस पाठ से आपके पेपर में आ सकते हैं। तो ख़त्म करते हैं वीडियो को, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सब कुछ होने वाला है इसी चैनल के ऊपर, हर एक सब्जेक्ट 8वीं से 12वीं होगा, तो सब्सक्राइब कर लो अभी कर लो सब्सक्राइब, ठीक है। फिर क्या पता आपको ये चैनल फिर ढूंढते फिरो कि कहाँ गया भाई वो चैनल, वो तो काम का था, तो पहले ही जुड़ जाओ यार, बाद में पछताना ना पड़े।